नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ के सेक्टर 23 स्थित मॉडर्न बीपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली निकाली और घर घर के साथ दुकानों पर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हूँ, आज हमने ये रैली इसलिए निकाली है ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि वो अपने आसपास की सफाई रखें। यूजुअली हम लोगों से जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप सब सफाई में क्या करते हैं, तो वो यही कह देते हैं कि एक अकेले से नहीं हो सकता। तो आज हम उनको इस बात के लिए अवेयर करने गए थे कि जब तक हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तब तक ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये जो हरियाणा के नागरिक हैं उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली जा रही है स्कूल की तरफ से, जिसमें जो हमारे वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं जयवीर खटाना, ये भी हमारे साथ में लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। संदेश तो सर एक तरीके से सफाई के लिए जागरूक करने का, लेकिन मेन विशेष तौर पर जो हम लोग पब्लिक को जागरूक करेंगे वो पॉलीथीन को अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा कि पब्लिक जो अपना सामान कुछ भी परचेज करने के लिए जाती है अपना कैरी बैग या जूट बैग अपने साथ में खुद लेके जाए, ताकि पॉलीथीन अगर मार्केट में रहेगा ही नहीं तो उसका प्रोडक्शन अपने बंद हो जाएगा, मार्केट से अपना भी वो गायब हो जाएगा। देखिए स्वच्छ अभियान जो है इसका तो महात्मा गांधी ने भी कहा था आज़ादी के समय भी कि यदि भारत को हमने महान बनाना है और जागरूक करना है और स्वस्थ भारत का है, तो उन्होंने नारा ये दिया था कि भारत को स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मोदी जी आज जो प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने भी इसके बारे में जागरूक करने पूरे हिंदुस्तान को कोशिश की है और उसका कहीं तक जो है ये ठीक है कि आज कुछ लोग इससे सहमत नहीं है, कुछ हो रहे हैं, आस्ते आस्ते जब हम चलेंगे तो सारे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे क्षेत्र के सभी दुकानदारों को सभी लोगों को जागरूक करने का ये कार्य किया जा रहा है, जो कि इसमें स्काउट और NCC के बच्चे इसमें जागरूक करने का एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। और बीपी मॉडर्न स्कूल के माननीय श्री OP परमार जी और माननीय श्री प्रिंसिपल महोदय और यहाँ क्षेत्र के सम्मानित श्री लाल साहब, श्री तेज बहादुर जी जैसे लोग इस मुहिम में शामिल हुए और ये बड़े बेहतरीन कार्य है। और मेरी अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ये बच्चे जो कि एक शहर को और अपने वार्ड को स्वस्थ बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, सभी लोग उसमें एक मुहिम में शामिल हो और कहीं ना कहीं हम अपने वार्ड को और अपने क्षेत्र को एक अच्छा बेहतरीन वार्ड बना सकते हैं सफाई के मामले में। मैं मॉडर्न बीपी पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ, आज हम साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की रैली पे निकले हैं। हमने काफ़ी लोगों को जागरूक किया कि हमें स्वच्छ क्यों रखना चाहिए। जिससे पहला रीज़न तो ये है, इससे हमारी लोगों को बीमारी नहीं होगी, क्लीननेस रहेगा, साफ सफाई रहेगी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इस खबर पर हमारे से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। मनोज, कहाँ पे ये जागरूकता रैली निकाली गई है और बच्चे इतनी अच्छी तरह से लोगों को जागरूक करे, इसका कितना असर देखने को मिला? क्या बता दें, फरीदाबाद के सेक्टर 23 में मॉडल बीबी पब्लिक स्कूल है, उसी के ये छात्र हैं जिन्होंने आज लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों को दुकान पे जाकर और जो लोग हैं उनको भी राहत चलते लोगों को भी समझाया गया कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें और जो गंदगी है वो खुले में ना फेंकें, जिसको लेकर नगर निगम की जो कई मुहिम है वो लगातार नगर निगम की जो मुहिम है वो भी काम कर रही है। यहाँ के स्थानीय पार्षद की बात माने तो वो भी स्वच्छता को लेकर इनके साथ थे और सभी बच्चों ने पोस्टर लगाकर वाई का तरीका से इन लोगों को जागरूक किया है। जी मनोज, इस रैली के दौरान कौन कौन सी क्लास के बच्चे मौजूद रहे? इस रैली के दौरान 11वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो इस सारी प्रक्रम में रहे हैं और करीबन 100-125 बच्चे ने इस रैली में भाग लिया है और पोस्टर बैनर तक लेकर वो लोग साथ सड़कों पर रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े थे फरीदाबाद से। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां टाटा अनुसंधान कंपनी के अधिकारियों ने 2 दुकानदारों पर छापेमारी कराई, जिसमें करीब 200 पैकेट टाटा का नकली नमक बरामद हुआ है। बता दें कंपनी अधिकारियों ने दुकानदारों के साथ में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत कुमार है। किस कंपनी से आप? मैं अनुसंधान ग्लोबल कंपनी में जॉब करता हूं एज एन IPR एग्जीक्यूटिव। अच्छा। और हमारा टाटा सॉल्ट हमारा क्लाइंट है। अच्छा, जिसका डुप्लीकेट नहीं, जैसे कि आज जो टूला आप आए, जो दुकानों पर मैंने सुना है छापा पड़ा है, तो किस तरह का छापा पड़ा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है उन पर? सर उस पर हम छापे जो पड़ा है, जो हमने छापा दबिश करी है, तो वो एटा रोड पे दुकान हमें मिली थी, जिससे हमने पहले सैंपल परचेज करवाया, उसके बाद हमने उसको देखा तो वो डुप्लीकेट पाया गया। तो
तो टाटा सॉल्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये टाटा सॉल्ट का पैकेट है, इसमें ओरिजिनल में कुछ डिटेलिंग होती है जो डुप्लीकेटर को पता नहीं होती। तो वो जैसे ये है, यहाँ पे टाटा 1 2 3 4 5 टाटा के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपनी। अच्छा अच्छा, तो उसका कोड लाइसेंस नंबर फूड से अलॉट हो रहेगा उनको। तो मैन्युफैक्चरर जब काउंटरफेटर क्या करते हैं, ये AG करके लिखा हुआ है, तो इसमें लाइसेंस नंबर नहीं है उसका, जो डुप्लीकेट हमें मिला है पैकेट उसमें सीरियल नंबर भी नहीं है, उसमें सीलिंग भी नहीं है काफ़ी, और हार्ड प्लास्टिक है, पैट प्लास्टिक में पैक करा हुआ है रिसाइकल वाला पैक, जबकि रिसाइकल वाला पैक बहुत सॉफ्ट होता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए फिरोजाबाद से संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या है पूरा मामला, किस जगह पे ये नकली नमक पाए गए हैं? देखिए, ये टूंडला पुलिस और टाटा अनुसंधान कंपनी के जो एरिया मैनेजर हैं प्रशांत कुमार, उनके द्वारा एक दुकान पर ये छापेमारी की गई थी टूंडला में, और वहां पर लगभग टाटा नमक के 200 से अधिक पैकेट, नकली 200 से अधिक पैकेट बरामद किए गए हैं। जी, किस तरह से जनता असली और नकली नमक में पहचान कर सकती है संजीव, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, टाटा कंपनी के जो एरिया मैनेजर है उनके द्वारा बताया गया है कि जो टाटा कंपनी, ये जो नमक की जो पैकिंग होती है ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह हूबहू होती है, लेकिन ग्राहक अगर जागरूक है तो कुछ चीजों को ध्यान में रखकर पहचान कर सकता है। जैसे कि टाटा की जो यूनिट है उनमें 5 यूनिट 4 यूनिट पीछे की तरफ छपी हुई होती है, तो वहां उसके जो पैकिंग नंबर होता है उसको जानकारी के तहत जान सकता है। और दूसरी बात, उसकी जो पैकिंग होती है नकली नमक की जो पैकिंग होती है उसकी पैकिंग थोड़ी हार्ड होती है, और जो असली नमक की पैकिंग होती है वो रिसाइकल वाली पैकिंग होती है, जो हार्ड नहीं होती है, नॉर्मल पैकिंग होती है, वो उसको छूने से पता लग जाएगा कि ये ओरिजिनल पन्नी है, मतलब छुएंगे उसको तो वो आराम से मूव करता है नमक उसके अंदर। संजीव, अधिकारियों को इस नकली नमक के बारे में सूचना कैसे मिली? देखिए, एक ये मामला उजागर होने के लिए सबसे पहली बात ये हुई थी कि एक ग्राहक थे रविंद्र कुमार जैन, वो एक दुकान पे लगातार इनके यहाँ से नमक ला रहे थे, तो उनके द्वारा ये जानकारी एरिया मैनेजर को सूचित किया गया और एरिया मैनेजर द्वारा पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संजीव कुमार जुड़े थे फिरोजाबाद से संवाददाता। फिरोजाबाद से कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़ियों की ईको और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हो गई जब वो अपनी यात्रा को लेकर जा रहे थे, जिसमें एक कांवड़ी की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं स्थानीय पुलिस और परिजन मौके पर पहुंच गए और घायलों का इलाज चल रहा है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। यह हादसा थाना क्षेत्र नारखी के कोटला परिहार रोड का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद से खबर सामने आ रही है जहां पे कांवड़ यात्रा निकाल रहे कुछ लोग जा रहे थे अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर, जहां पे यह हादसा हो गया है और इसमें एक कांवड़ी की मौके पर ही मौत हो गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता संजीव कुमार जुड़े हुए हैं फिरोजाबाद से। संजीव, क्या है पूरा मामला, कितने लोग घायल हुए हैं? देखिए, फिरोजाबाद कल शिवरात्रि का पावन पर्व है और इसी पावन पर्व को देखते हुए कुछ लोग कांवड़ लेने के लिए सोरो कचला घाट जा रहे थे। सोरो कचला घाट जाते समय उस ट्रैक्टर की जो ईको में ये लोग जा रहे थे उसकी ईको की जो भिड़ंत है वो ट्रैक्टर के साथ हो गई, जिसमें ईको का जो ड्राइवर है उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई और कुछ कांवड़ियों को गंभीर चोटें भी आई हैं इसमें। जी, क्या कुछ जानकारी है, पुलिस अब किस तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, जांच पड़ताल क्या, ये नॉर्मल एक्सीडेंट है, ये रात के समय हुआ एक एक्सीडेंट है जो कि नॉर्मल है। इसमें जांच पड़ताल का विषय ये है कि केवल ये देखा जा रहा है कि कितने लोगों को चोट आई है और उनका उपचार सही ढंग से कराया जा सके, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो इस समय थोड़ा सा संवेदनशील मामला भी ये बनता है कांवड़ वाला। संजीव, लगातार कांवड़िया अपनी भव्य रैली निकाल रहे हैं और गंगा जल के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं? देखिए, प्रशासन द्वारा इस पे गाइडलाइन क्या जारी करी गई है, केवल कि जो लोग हैं वो एक पंक्ति दर एक साइड में चलते रहे और जो लोग वाहन द्वारा कांवड़ ला रहे हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि कोई भी आदमी शराब पी के या इस तरीके के कोई हुड़दंग काटने वाली या डीजे तेज आवाज में बजा के ना आए, बस यही प्रशासन द्वारा एक गाइडलाइन जारी करी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संजीव कुमार जुड़े थे संवाददाता फिरोजाबाद से।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर एक निजी नर्सिंग होम में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने महिला के साथ पैर बांधकर जबरदस्ती उसका प्रसव कराया और प्रसव के बाद बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद प्रसूता के घर वालों ने निजी नर्सिंग होम पर जबरदस्ती प्रसव कराने का आरोप लगाया है, जिसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। कहाँ के रहने वाले? कोटावा। कब लेकर आए थे अपनी पत्नी को? गुरुवार को। तो क्या हुआ फिर? गुरुवार के यहाँ पे मेरा बच्चा जीवित था, इन लोगों ने पेट दबा दिया और मेरी औरत। किस हॉस्पिटल में लाए थे? ये सामने आरोग्य हेल्थ केयर में। तो आज क्या हुआ? और ये इन लोगों ने बोला जीवित। कौन लोग? यही लोग, डॉक्टर लोग यहाँ के डॉक्टर लोग ने बोला था आपका बच्चा जीवित है। तो मेरा बच्चा जब जीवित था तो आपने पहले बोला था मेरा बच्चा जीवित और नॉर्मल हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं रायबरेली से। ओम शंकर, कहां का ये पूरा मामला, जिस नर्सिंग होम का नाम लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया इस मामले में? रायबरेली में बाराबंकी के बॉर्डर में एक जगह स्थित है शुगर, पड़ता है रायबरेली जनपद में है, लेकिन बॉर्डर में होने के कारण और चुनाव में कहीं न कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है कि इस तरह से झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी बढ़ती जा रही है। प्रसव के लिए एक महिला जाती है वहां पर, चूंकि स्टाफ कम था तो स्टाफ कम होने की वजह से जो है हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, तब प्रसव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं मानवता की सारी हदें पार करते हैं ये नर्सिंग होम वाले। जी ओम शंकर, उस महिला की इस वक्त हालत कैसी है जिसके साथ जबरदस्ती ये प्रसव करवाया गया है और जिसके बच्चे की मौत हो गई है? जी हाँ, महिला तो फिलहाल ठीक बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जो है बच्चे ने दम तोड़ दिया है। हालांकि मैं खुद आज सुबह सीमो ऑफिस गया था, लेकिन वो नहीं मिले हैं और इस मामले में बयान देने से भी अभी स्वास्थ्य अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। ओम शंकर, क्या इससे पहले भी इस नर्सिंग होम से जुड़ी कोई शिकायतें सामने आ चुकी हैं? जी हाँ, ये जनपद में जो है एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है झोला छाप डॉक्टरों का, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा सब जानते हुए भी आंखें बंद करे रहता है। और चूंकि ये घटना ऐसे समय की है, इस समय चुनाव चल रहा है, तो कोई अधिकारी जो है वो जल्दी अपने ऑफिस में मिल भी नहीं रहा है। इसी का फायदा उठाकर ये लोग जो है पूरा अपना इनका एक सिंडिकेट है जो फल फूल रहा है। जब ये मामला संज्ञान में आया तो क्या इसकी शिकायत करी गई है? पुलिस इस बार इस मामले पे क्या एक्शन लेने वाली है? जी हाँ, स्वास्थ्य अधिकारी डीएस अस्थाना से भी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, निश्चित मामला बहुत गंभीर है, अब परिजन जो है इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन देकर निश्चित ही नर्सिंग होम को सील करने की प्रक्रिया कराई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे रायबरेली से। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।